हेलो लेडीज़, सो आज मैंने क्रिएट किया है ये ब्यूटीफुल ग्लैमरस दुर्गा पूजा मेकअप लुक। एंड ये आप वैसे तो कोई भी फेस्टिवल में यूज़ कर सकते हो, बट ये दुर्गा पूजा के लिए परफेक्ट है। बहुत ही सुंदर सा क्रिएट किया है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो ये है मेरा बेयर फेस फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं स्टार्टिंग करूँगी एक इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर से। ये है पिलग्रीम का मॉइस्चराइजर। इसे आप दो यूजेस कर सकते हो। एक आपका फेस अच्छे से मॉइस्चराइज होगा एंड सेकेंड ये आपको इल्यूमिनेटिंग बेस देगा, ग्लोइंग बेस। आप देख सकते हो शाइन कितनी अच्छी कर रही है मेरी स्किन। अब मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप एंड मैंने लिया है हिलरी रोडा का ये आई शेडो पैलेट। आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे कलर्स है इसमें, शाइन मैट है, शिमर्स है, सब है। सो फर्स्ट मैंने एक लाइटर ब्राउनिश पिंकिश शेड लिया है एंड मैं इसे अपने आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी, ज़्यादातर अपर पार्ट तक, क्रीज तक अप्लाई करूँगी। एंड अब मैंने लिया है ये कंसीलर, ये है मनीष मल्होत्रा कंसीलर। सारे लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड अब मैं ये कंसीलर को कट क्रीज करूँगी। बहुत दिनों से मैंने कट क्रीज आई मेकअप नहीं किया है। सो इसे हाफ आईलिड तक अप्लाई करके ब्रश से इसे सेट कर दूंगी। आप देख सकते हो इसे कोई भी आई शेडो को मैं सेट नहीं करूंगी। मैंने एक आई लुक किया हुआ है, उसी को हम रिपीट करेंगे। अब मैं इसे एक डार्क ग्रीनिश या फिर ग्रेइश आप बोल सकते हो, वो आई शेडो अप्लाई करूँगी आउटर कॉर्नर पे, देख सकते हो। एंड फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने उसे हाफ तक अप्लाई किया है। एंड अब मैंने एक गोल्डन आईलाइनर लिया है, ये पिलग्रिम का ही है शायद। इसे मैं कट क्रीज को फिनिश करूँगी गोल्डन से, आप देख सकते हो। एंड अब मैंने लिया है माई ग्लैम का काजल एंड आईलाइनर। ये लिक्विड आईलाइनर है एंड बंगालीज में दुर्गा पूजा में बहुत ही बड़ा सा विंग्ड आईलाइनर होता है, थिक आईलाइनर होता है, वैसे मैं इसे विंग आईलाइनर बनाऊंगी। एंड यस, ये रहा हमारा कंप्लीट आई मेकअप लुक। बहुत ही सिंपल एंड फास्ट था। अब मैंने किया है प्राइमर, ये है स्विस ब्यूटी का प्राइमर। काफ़ी अच्छा प्राइमर है, बहुत अच्छा बेस देता है, सॉफ्ट मैट देता है। तो मैंने इसे अप्लाई किया है पूरे फेस पे। एंड अब मैंने लिया है फाउंडेशन, ये है जस्ट हर्ब्स का फाउंडेशन। जस्ट हर्ब्स अंडररेटेड लगता है बट नहीं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है। उसका फाउंडेशन का आप अभी फिनिश देखो, आपको अभी ये थोड़ा सा लाइटर लग रहा होगा मेरे स्किन टोन पे, बट थोड़ा सा हेवी ही बेस में आज करने वाली हूँ। एंड मैंने इसे फ्लैट ब्रश की मदद से सभी जगह पे अप्लाई कर रही हूँ, इंक्लूडिंग माय नेक। एंड अब मैंने एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, पानी में गीला करके स्क्वीज़ किया है, उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी फाउंडेशन को सारी जगह पे। तो अभी थोड़ा वाइटिश लग रहा होगा, सो अभी हम इसे कॉन्टोर करेंगे। ये क्रीम कॉन्टोर आज मैंने लिया है, ये NYB का है, मैं आपको लिंक दे दूंगी। क्रीम कॉन्टोर है, इसे मैं नोज़ कॉन्टोर करूंगी, देन अपना जॉ लाइन करूंगी, चिक बोन्स करूंगी। एंड अभी आप देख सकते हो कौन से जगह पे मैंने किया है अप्लाई, एंड उसे अच्छे से फाउंडेशन में ब्लेंड करूंगी। तो ऐसे नहीं लगना चाहिए अलग से लाइंस बनाए हैं। एंड आपका फाउंडेशन अभी वाइट भी नहीं लगेगा बिकॉज मैंने ब्लेंडिंग ऐसे करूंगी कि वो समझ में ही नहीं आएगा कि आपका फाउंडेशन भी लाइट शेड का था। सो मैंने अपना फोरहेड भी कॉन्टोर किया है, जो थोड़ा मेरा वाइड है इसीलिए मैंने कॉन्टोर किया है। अब मैंने लिया है बेलोरा पेरिस का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड एक लाइट फ्लफी ब्रश ब्रश की मदद से मैं सारा फाउंडेशन मेरा सेट करूँगी। मेरी ऑयली स्किन है सो इसीलिए मुझे पाउडर ज़्यादा लगता है। अब मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का चीकबू फेस पैलेट। इसमें सारे शेड्स है, कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है ब्लश। कॉन्टोर की आज ब्रॉन्जर की आज ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉन्टोर किया है। तो मैंने ब्लश अप्लाई किया है, सेम पैलेट से हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। इसका हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है, आप इसे डेफिनेटली ले सकते हो। इसमें काफ़ी सारे शेड्स है आपके स्किन के अकॉर्डिंग, डीपर के लिए, फेयरर के लिए। मेरे पास तो सारे ही है तो मैं तो कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं बाकी बचा हुआ आई मेकअप कंप्लीट करूँगी। लोअर लैश लाइन पे आई शेडो सेम अप्लाई किया है मैंने ब्राउनिश, एंड वाइट काजल लगाया है मैंने। वाइट भी नहीं है ये, न्यूड आई शेडो है, सॉरी काजल है। एंड बाकी के बचे हुए पॉइंट्स पे मैं हाइलाइटिंग करूँगी इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन पे। अब हम कंप्लीट करेंगे आईब्रोज़, बिकॉज आईब्रोज़ के बिना ये लुक इनकम्प्लीट है।
ये है फेसेस कनाडा की आईब्रो पेंसिल। काफ़ी क्रीमी पेंसिल है, बहुत बहुत पिगमेंटेड है, तो संभाल के आपको ये अप्लाई करने पड़ेगी। एंड लास्टली सेट करेंगे मेकअप, मैट लुक का ये मेकअप फिक्सर है, ये भी बहुत अच्छा है, ये मुझे कोलैब में आया था बट अच्छा मैंने यूज़ कर रही हूँ इसे। एंड टॉपिंग अप विद द लिपस्टिक, डार्क लिपस्टिक मैं अप्लाई करने वाली हूँ। इस पर न्यूड भी जा सकता है बट मुझे परफेक्ट ये लुक के लिए रेड ही लगा, जो मेरे आउटफिट के साथ भी परफेक्ट जा रहा है। सो ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक है एंड दिस इज़ माय लुक कंप्लीटेड। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।